I am back. एक दफा मेरे फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने कहा था कि कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि उसे सुनाने वाला डिसाइड करता है कि कौन सी कहानी बड़ी है और कौन सी छोटी। आज ये कहानी मेरे पर ही मुश्तमिल है, मुश्तमिल यानी कंसिस्ट होना, कि वे आई हैव बीन फ्रॉम लास्ट 12 मंथ्स। आज की कहानी मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव रखना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। खैर शुरू करते हैं। मेरा इब्तिदा हिस्सा मेरी मशगूल जिंदगी का है। इब्तिदा मतलब शुरू करना और मशगूल मतलब मसरूफ रहना या बिजी रहना। जब मैंने लास्ट वीडियो जुलाई में डाली थी उसके जस्ट एग्जैक्ट 15 डेज बाद मेरी 10th क्लास स्टार्ट थी। आई थॉट कि दो वीडियो अब डाली चुके हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो अगस्त में ही डालेंगे, बट टाइम आफ्टर टाइम आफ्टर टाइम सिर्फ वक्त गुजरता रह गया और वीडियो बन नहीं पाई। बाकी बकाया हिस्सा मैं दूसरे से लिंक करके समझाता हूँ। बकाया मतलब रिमेनिंग। थ्री लॉज ऑफ व्लॉग्स। बट थ्री लॉज ऑफ व्लॉग्स है क्या? मेरा यूट्यूब चैनल बनाने से पहले मेरा पहले से एक मोटिव था कि प्रोड्यूस करना है तो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट। Which shows that quality matters than length. ज़्यादा टाइम मैं वीडियो की क्वालिटी पे लगा के लेंथ कम बनाता था। सेकेंड लॉ इज किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। जैसे ऐसे हाँ यार हेलो भाई यार शूट करेंगे घर आ जा। 5 बजे यार 5 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 7:30 तक का। थर्ड लॉ कहो या एक मसला। एज आई एम वर्किंग अलोन तो मुझे खुद शूट करके खुद ही एडिट करना पड़ता है, तो मेरे पास तभी कॉन्टेंट कम बनता है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। देट आर द रीज़न कि मैं यूट्यूब पर डीएक्टिव था। होप यू अंडरस्टैंड। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए पीस आउट।